श्रोतागण, अब मैं अपना कविता पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप इसे पसंद करेंगे और सराहेंगे। जो देश प्रेमी देह से सबल, जो देश प्रेमी देह से सबल, दिमाग से विवेश प्रबल, क्रांतिकारी भावनाओं का पोषक था, बेटा था लाला हुकमचंद का, वह मास्टर अमीर चंद था, जन्मा था सन 1869 में, पिता का दिल्ली में बसेरा था, मैट्रिक पास की दिल्ली से, बीए उपरांत कैम्ब्रिज मिशन हाई स्कूल में अध्यापन करता था। तन मन धन से देश निमित्त समर्पण, क्रांतिकारी गतिविधियों में विशेष रुचि रखता था, गदर पार्टी संस्थापक डॉक्टर लाला हरदयाल से निकटतम तालमेल पोषित करता था, वह क्रांतिकारी वीर मास्टर अमीचंद था। गुलाम भारत के परिवेश में जन जन तक प्रभावी सरल संदेश में अमीरचंद की प्रचार प्रसार शैली अत्यंत सार्थक थी। क्रांति भाव मंत्र पहुंचाए हर शहर हर प्रदेश में, उनकी क्रांतिकारी लिटरेचर हर शहर में उपलब्ध थी। उसकी नीति बहुत सफल और सजग थी। लाला अमीरचंद खलीफा था तर्क वितर्क में, पर्चे वितरण में परिपक्व था, सहजता सरलता से कठिन से कठिन कार्य क्षण भर में समझ जाते थे, प्रचार प्रसार कला में महारथी था। पहुंच बनाई दूर दूर तक अनेकों क्रांतिकारी मित्र थे। क्या राम बिहारी, क्या अवध बिहारी, समेत बाल मुकंद बसंत विश्वास, जोरावर सिंह बारहट सभी करीबी सहयोगी थे। अंग्रेजों विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का प्रबल हामी था, अमल में लाने इसे असलियत में अव्वल दर्जे का माहिर था। क्रांतिकारी अमीरचंद के जीवन में 23 दिसंबर सन 1912 के दिल्ली बम कांड का शाप भारी था, इसी से अदालती झंझट में फंसा, इसी में वो अपना जीवन हारा था। इसी वर्ष भारत की राजधानी बदली, कलकत्ता छोड़ अंग्रेज आ बसे दिल्ली, हाथी बाजे राजे महाराजे हजारों में प्रजा, दिल्ली ऐसे सजी थी जैसे दिवाली पर हो मैसूर महल शहर सजा। लॉर्ड हार्डिंग की राजशाही आवन थी, राजशाही का था भव्य राज अभिषेक, उधर बसंत विश्वास बाल मुकंद जोरावर सिंह बार वीरवर ने हार्डिंग पर बम से किया प्रहार, अंग्रेजों ने मूंगी खाई थी। तीनों वीर बुरका का आवरण पहन जनता में मिलकर जनता के हो गए, अता पता कुछ लग न सका, खुफिया तंत्र ने धूल चाटी, स्तब्ध अंग्रेजी सरकार के होश उड़ गए। लंबा चौड़ा खुफिया जाल बिछाकर लाहौर निवासी दीनानाथ को पुलिस ने पकड़ लिया। दीनानाथ ने बाल मुकंद बारे उजागर करके घोर अपराध कर दिया। तत्पश्चात मास्टर अमीचंद बसंत बाल मुकंद चारों वीरों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। मात्र दिखावे लिए अदालत में वकीलों को जज सम्मुख खड़ा करवाया, जुर्मियों ने चारों वीरों को फांसी का हुक्म सुनाया, फिर शीघ्रतम बेरहमी से चारों को फांसी ही चढ़वाया। कोई करे धरना करके कोई करे गोली दाग कर, क्रांतिकारी अमीर चंद ने पर्चे बांटकर नौजवान बागियों का संग्रामी जज्बा शिखर तक पहुंचाया था। शहीद अमीर चंद तूने प्रचार प्रसार एकीकरण सामंजस्य व नियंत्रण का हुनर सिद्ध कराया, तभी तो लाला हरदयाल व अवध बिहारी ने तेरे पर गहरा विश्वास जताया। धन है अमीर चंद तू धन है तेरी बागी जज्बात, अध्यापन कर गत क्रांति गतिविधियों की जड़ों को जमाया, धन है तेरी कुर्बानी देश खातिर सब कुछ तूने अपना गंवाया।
अगर मास्टर दा सूर्य सेन ने, देखिए यहाँ एक बात बताऊं कि अगर दिल्ली में मास्टर अमीचंद थे तो उसी तरह से जो आप बांग्लादेश में चला गया, एक बहुत प्रसिद्ध शहर था चिटगांव, और चिटगांव की जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, चिटगांव में जो वहाँ के क्रांतिकारी थे वो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे, जब कभी आगे बताएंगे कि एक लड़का तो सारा मिलाकर को 15 साल का था जो फांसी पर चढ़ गया था। वो जो इतने सारे क्रांतिकारी चिटगांव में पैदा हुए वो सिर्फ एक स्कूल टीचर की वजह से थे, और उन टीचर का नाम था सूर्य सेन, और बंगाली में उनको बोल देते मास्टर दा, क्योंकि वो मास्टर जी थे, और क्योंकि वो बड़े थे तो बड़े भाई को दादा बोलते हैं और दादा का दा, तो मास्टर दा सूर्य सेन। तो कहने का मतलब है यहाँ ये कवि ये कह रहा है कि दिल्ली में जो बगावत मास्टर अमीरचंद ने फैलाई वो बिल्कुल उसी दर्जे की थी जो चिटागांव में मास्टर सूर्य सेन ने फैलाई थी। तो क्या कहता है कवि सुनिए। अगर मास्टर दा सूर्य सेन ने चिटगांव में चिटगांव हिंदुस्तानी प्रजातंत्र बनाया, तो मास्टर अमीचंद तू दिल्ली में अंग्रेजी पुलिस बल से सशस्त्र राज विद्रोह का मंत्र पढ़ाया। राष्ट्र अब कभी कहता है कि चलो ये तो सारा हो गया, अब उसके बाद में अब दो स्टेंजा हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो अगर हमें मास्टर अमीचंद कौन था, उसने बम किस पर फेंका, उसको फांसी लगी, लोगों ने जिस दिन एक ही वो हुआ उसका लॉर्ड हार्डिंग का अभिषेक हुआ उस दिन खुशियां मनाई, शहर को सजाया, एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ अब हम अपने जो भी कुछ है अपनी सोच को अब तो बदल सकते हैं कि एक तो हम जैसे मास्टर अमीचंद हैं ऐसे ही, जैसे मैंने शुरू में बताया, ऐसे कम से कम मेरे पास ये लिस्ट कम से कम सैकड़ों सेनानियों की, हम उनको जाने जैसे कि आज हमने मास्टर अमीचंद को जाना है। तो इतना जानने के बाद में अब मैं दो स्टेंजा पढ़ता हूँ, क्या राष्ट्र एकीकरण राष्ट्रीय प्रेम स्वाभिमान, कहता राष्ट्र एकीकरण राष्ट्रीय प्रेम स्वाभिमान सर्व समुदाय सद्भाव एवं भाईचारा, राष्ट्र एकीकरण राष्ट्रीय प्रेम स्वाभिमान सर्व संप्रदाय सद्भाव एवं भाईचारा, पनप सकते हैं जड़ें तलाश सकते हैं, आओ नम्र मुद्रा में स्थापित होकर जाने शहीदों का सर्वस्व इतिहास, जाने शहीदों का सर्वस्व इतिहास, अभी भी वक्त शेष है, अभी भी वक्त शेष है, शुभ अवसर भी विशेष है, पाठशालाओं तक स्पष्ट रूप में समायोजित करो स्कूली पाठ्यक्रम में क्रमशः वीरों का फांसी कारावास का समूचा इतिहास। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अब मैं आपसे मेरे अनुजा उन्होंने मेरे से कहा चलो मैं आपसे अपना एक विचार साझा कर लूँ, और वो ये है कि मेरा ट्यूब चैनल है और ट्यूब चैनल डॉक्टर